नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। प्यारे बच्चों, सीटेट अगस्त 2023 जिन जिन उन्होंने दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। कुछ दिन पहले आपका आंसर की अपडेट की गई थी और आज आपका रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीएड वालों का प्राइमरी का रिजल्ट आया है या नहीं आया है सीटेट में। सबसे बड़ा तो एक आप लोगों के मन में होगा कि जो बच्चे, क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कुछ बच्चों ने सीटेट का पेपर ही नहीं देने गए प्राइमरी वाला। तो क्या बीएड प्राइमरी वाला सीटेट ने रिजल्ट जारी किया है कि नहीं, ये सब बता दें। रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है तो ये ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने एक तरह से बात की है कि अभी आने वाला है बिहार में आपका ऑलमोस्ट 6 से 8, 11, 12 कक्षा 9, 10 की वैकेंसी, इसमें आपका ये जो सीटेट आप लोगों ने दिया था ये वैलिड होगा क्योंकि इसके बाद वो वैकेंसी आएगी। और जो पेपर वन पेपर टू दोनों क्वालिफाई कर लिए हैं वो अपना रिजल्ट यहाँ से देख लीजिएगा। पेपर वन पेपर टू वाले, पेपर टू वाले खासकर जो बीएड वाले होंगे, अगर इसमें दिए होंगे तो निराश नहीं होना है। अगर आप प्राइमरी से बाहर हुए हैं तो कहीं ना कहीं 6 से 8 बिहार में आपको एक मौका और मिल रहा है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखने के लिए, आप यहाँ पर साफ साफ दिया आ रहा है लॉगिन करने के लिए सीटेट का, और यहीं पर आपका आ रहा है सीटेट अगस्त 2023 रिजल्ट। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे तो अपना रोल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट शो कर देगा। जो सवाल है आपका कि क्या बीएड का प्राइमरी रिजल्ट आया है, तो बीएड वालों का प्राइमरी रिजल्ट जो है वो दिया गया है, मतलब पेपर वन का जो है वो रिजल्ट आपका आया है। आप ओपन करके देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। रही बात अब कि क्या बीएड वाला जो चल रहा है कि प्राइमरी में रहेंगे कि नहीं, भाई साफ साफ एनसीटीई ने भी लेटर सभी राज्यों को भेज दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर सभी राज्य अमल करें। अब डिपेंड करता है राज्यों पर कि राज्य क्या कदम उठाते हैं। बाकी हर जगह कोई ऐसा राज्य नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से बोला जाए ऑर्डर का अवहेलना करे, कहीं ना कहीं सभी को मानना होगा। बाकी विद्यार्थी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। जो भी और दिक्कत समस्या आप लोगों को है, अगर रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और आपका वेबसाइट सीटेट वाली खोलिए, वहीं पे आपको पूरा दिख जाएगा कि कैसे आपको रिजल्ट देखना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कोई दुविधा, कोई दुख दर्द हो तो ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।